कांग्रेस नहीं जीती है, कर्नाटक में देश की जनता जीत चुकी है। प्रधानमंत्री को मैंने अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार देखा, कोई प्रधानमंत्री इतने निचले स्तर तक विधानसभा के इलेक्शन हो चाहे वो नगर निगम के चुनाव में वहाँ जहाँ तक वो प्रचार कर रहे हैं। जो बजरंग बली का कंपैरिजन बजरंग दल से किया, एक आतंकवादी संगठन से किया, बजरंग बली के साथ ही नाइंसाफी करके जो घोर पाप उन्होंने किया था उसका जवाब उनको मिल गया। ये जातिवादी धर्मवादी ये कांग्रेस के अंदर नहीं चर्चा है। कांग्रेस एक समान विचारधारा खारिज कर दिया, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह जी हो, चाहे मोदी जी हो, इन लोगों ने खूब सांप्रदायिकता की रोटी सेंकने की कोशिश की। तो 5,000 पर मतदाता को वोट दिया, वो नोट दिया, नोट पे वोट हुआ है क्या? वोट फॉर वोट। पर आपको ना तो केजरीवाल नजर आया होगा और यहाँ ही वहाँ पर आपको ओबीसी नजर आएगा। इसका कारण यह है कि वहाँ के जब सीएम को वहाँ की जनता पीट सकती है तो फिर अरविंद केजरीवाल और ओबीसी की भी कुटाई हो सकती है। इसमें लगभग 4 स्टेट में इलेक्शन होने जा रहे हैं, चारों में कांग्रेस जीतने जा रही है, उसके बाद फिर दिल्ली दूर नहीं है। इस समय मौजूद है हम दिल्ली के कांग्रेस के मुख्यालय पर। कर्नाटक कांग्रेस जीत चुकी है, उसी की खुशी यहाँ मनाई जा रही है। मैं आपको विजुअल दिखाने जाऊंगा, ढोल लगाड़ों के साथ कांग्रेस अपनी जीत की खुशी मना रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं समर्थक में और किसी को जाहिर करने हम लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर सर आयो कर्नाटक एक बार कांग्रेस जीत चुकी है, इस पे क्या बताइए? कर्नाटक में कांग्रेस नहीं जीती है, कर्नाटक में देश की जनता जीत चुकी है और जनता ने ये दिखा दिया कि मोदी जी का ये दोहरा चरित्र जो वो धर्म के नाम पर बरगला करके लोगों को गुमराह करके जीत हासिल करना चाहते हैं अब वो नहीं चलने वाला है। जनता जागरूक हो चुकी है, 9 साल का वक्त दिया और 9 सालों के अंदर में मोदी जी ने कर्नाटक के अंदर में अपना एक काम नहीं गिना सका। मोदी जी मैं तारीफ करूंगा कि वो बातें अच्छी करते हैं, भाषणबाजी अच्छी करते हैं, जनता को गुमराह अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन काम करना उनको नहीं आता है। 9 साल के इंतजार के बाद जनता ने उन्हें ठुकरा दिया और ये कह दिया कि आप तुम्हारी राजनीति नहीं चलने वाली। कांग्रेस आप कैसे कह रहे हैं मोदी जी को काम अच्छा करना नहीं आता? 2014 में वो विजय हुए, 2019 में वो जो कह रहे हैं, 2024 में भी हम विजय। मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है कि एक महीने से जंतर मंतर पे पहलवान बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं, जिन जो हमारे देश को सम्मान दिलाती है, इज्जत दिलाती है, आज उनके साथ उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मोदी जी मूक दर्शक बने बैठकर देख रहे हैं, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता है कि उनका पार्टी का जो आरोपी व्यक्ति है उसको वो गुनहगार साबित करें और जेल में डालने की उनकी हिम्मत पड़े। अच्छा एक मुद्दा कर्नाटक चुनाव में सबसे अहम रहा था, बजरंग दल और बजरंग बली का मुद्दा, क्या वो लगता है वो काम नहीं आया बीजेपी? मोदी जी ने जो बजरंग बली का कंपैरिजन बजरंग दल से किया, एक आतंकवादी संगठन से किया, बजरंग बली के साथ ही नाइंसाफी करके जो घोर पाप उन्होंने किया था उसका जवाब उनको मिल गया और कर्नाटक की जनता ने ये दिखा दिया कि जब आतंकवादियों की तुलना भगवान से की जाएगी तो नतीजा यही होगा। अच्छा। और वो 2024 का इलेक्शन भी इससे बुरी तरह हारेंगे। अभी मैंने वहाँ के सीएम की, कर्नाटक के सीएम की फाइट सुनी है, उन्होंने ये कहा है, जो बीजेपी से थे पूर्व सीएम, उन्होंने ये कहा है कोई दिक्कत नहीं, कर्नाटक हार गए तो हार गए लेकिन आगे की रणनीति अब बनाएंगे, अगली 2024 में हमें ही विजय मिलेगी। चलो ये बेहतर है कि फाइनल रिजल्ट आने से पहले उनके मुख्यमंत्री ने यह स्वीकार कर लिया कि हम हार गए और 2024 में भी उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा कि वो पूरे देश से उनका सफाया होने जाता है। अब उनकी नफरत की बाजार गर्म होने वाली नहीं है, मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है और एक के बाद एक खुलती रहेगी। वो महाराष्ट्र भी हारेंगे, मध्य प्रदेश भी हारेंगे, छत्तीसगढ़ भी हारेंगे और 2024 का आम इलेक्शन भी हारेंगे। कर्नाटक चुनाव में रैलियां काफी हुई, मोदी जी ने भी लगभग 22 रैलियां करी हैं और हर रैली में एक मुद्दा अहम रहा है, बजरंग दल और बजरंग बली का, तो वो काम नहीं आया क्या बीजेपी के लिए? देखिए अभी जो मेरे भाई ने बताया बजरंग बली को लेकर वो बात साफ कर दी है, लेकिन मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह से एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक ऐसे फर्जी आंकड़े पर जो एक मूवी बनाई गई था केरला स्टोरी, उसका जिस तरह से प्रचार किया और एक राज्य के बारे में जितना गलत सलत बोला, जो ऐसा राज्य जो हर चीज में आगे है, हर पैरामीटर में वो आगे है, उसको किस तरह से डिफेम करने की कोशिश की, और सबसे बड़ी बात वहीं से जनाधार बदल जाता है कि अगर संवैधानिक पद पर बैठा हुआ प्रधानमंत्री अगर एक फर्जी आंकड़ों के आधार पर अपनी जनसभा में सच मानकर उस चीज को बारे में बात करता है तो फिर ये हमारे जो जांच एजेंसियां हैं उस पर भी कहीं ना कहीं ठीक है सवाल खड़े कर देते हैं, हमारी सेना पर सवाल खड़े कर देते हैं, हमारे अर्धसैनिक बलों पर सवाल खड़े कर देते हैं। और सबसे जरूरी बात ये कि जब चुनाव में आपको बाटला हाउस याद आ रहा था, जयपुर बम ब्लास्ट याद आ रहा था और आपको सारी बातें याद आ रही थी, लेकिन उसी दौर में मणिपुर भी चल रहा था, मणिपुर की बात प्रधानमंत्री कहीं नहीं।
100 से ज्यादा लोग मणिपुर में मर गए, एक लफ्ज प्रधानमंत्री से मुश्किल नहीं निकला। पुंछ में, कश्मीर में दो दो गृह मंत्री तो मणिपुर में थे ना, गृह मंत्री अमित शाह तो मणिपुर में थे ना, उनकी आर्मी फोर्स तो मणिपुर में। कर्नाटक चुनाव प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ा गया, कर्नाटक चुनाव प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ा गया, प्रधानमंत्री ने कर्नाटक चुनाव को लीड करा और प्रधानमंत्री ने न जाने क्या क्या बातें रखी। सबसे लोकप्रिय चेहरा प्रधानमंत्री है पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर। एग्जैक्टली, ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की थी कैसे शब्दों और कैसी भाषा का वहां मर्यादा होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से इस कर्नाटक चुनाव को पोलराइज किया गया, कर्नाटक की जनता को सलाम कि उसने एक अंधेरे में डूबते हुए लोकतंत्र को उजागर करने और जिंदा करने का काम किया, इसीलिए जीत कर्नाटक की जीत नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की। आपको क्या लगता है जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं जाके सभी इलेक्शनों में, वो सही है क्या? एक प्रधानमंत्री के पद को गरिमा देता है क्या? संवैधानिक पद पर बैठे हुए सर्वोच्च देश के सर्वोच्च नेता को भाषा की मर्यादा और भाषण की मर्यादा का पता होना चाहिए, उन्हें इस बात का भी पता होना चाहिए अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो उस पर प्रतिक्रिया फौरन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आनी तय है। लेकिन प्रधानमंत्री ने फिर भी न जाने ऐसे कितनी बातें करी। होम मिनिस्टर ने भी मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने की बात करी और जबकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था ये फैसला हमारा आरक्षण खत्म करने का नहीं करने का, आप इस पर बयानबाजी नहीं करेंगे। 2024 की रणनीति क्या है कांग्रेस की? 2024 की रणनीति क्या है? बीजेपी कह रही है हम जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कर्नाटक गया। चुनाव मध्य प्रदेश में है अगला, अच्छा, और फिर राजस्थान में है। क्या होने वाला है इन दोनों स्टेट में? जो कर्नाटक में हुआ है ना वही मध्य प्रदेश में होने वाला है। जो सिंधिया, अरे गजब, जो भगदड़ मध्य प्रदेश में इस वक्त बीजेपी खेमे में देखी जा सकती है। एक सबसे बड़ा सवाल है जो बीजेपी पूछ रही है और मैंने देखा सभी टीवी मीडिया पे भी आ रहा है कि सीएम कौन, कर्नाटक का सीएम कौन, क्योंकि अभी कोई भी चेहरा निर्धारित नहीं हुआ है। ये फैसला तो हाईकमान करेगा, लेकिन जिस तरह से दोनों सिद्धारमैया है और ठीक है डीके शिवकुमार ने आपसी ठीक है तालमेल के साथ पूरा चुनाव लड़ा है, ये काबिले तारीफ है। अब जो भी फैसला होगा वो मानने को होगा, मेरे ख्याल से जो भी आगे निकल कर आएगा वो होगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो जो भी बनेगा वो देश हित में होगा, चाहे वो सिद्धारमैया बने, अधिकतर जो है वो सिद्धारमैया की तरफ जाएंगे। चलिए, कांग्रेस कर्नाटक जीत के बाद AICC में जश्न का माहौल है, सभी ढोल नगाड़ों के साथ सभी कार्यकर्ता सभी पद पे जो बैठे हुए हैं कांग्रेस के यहाँ आ चुके हैं और नाच गानों के साथ कांग्रेस अपनी खुशियां मना रही है। सर, कांग्रेस अपनी खुशियां मना रही है, कर्नाटक अब जीत चुकी है, लेकिन वहां के सीएम कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है 2024 में तो बीजेपी आएगी। अभी तो निमट लो, अभी तो हार के निमटो, अभी इसके जख्म तो भर लो, जो जख्म आज तुम्हें मिले हैं, जो कर्नाटक की जनता ने आपको जख्म दिए हैं पहले उनको तो भर लो। 2024 में तो आपकी हार निश्चित है। आज जो है ये शुरुआत हुई है, क्यों मैं कह सकता हूँ श्री गणेश हुआ है कांग्रेस की जीत का, कर्नाटक से शुरू हुआ है, एमपी पहुंचेगा, छत्तीसगढ़ पहुंचेगा, महाराष्ट्र पहुंचेगा और 2024 में लोकसभा तक पहुंचेगा ये। अच्छा, प्रधानमंत्री एक पद बहुत बड़ा पद है, उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ऐसे चुनाव में राज्य में जाज के भाषण देना या बजरंग दल या बजरंग बली या द केरला स्टोरी के बारे में उन्होंने बात करी थी, ऐसी बातें करना क्या शोभा देता है? प्रधानमंत्री को मैंने अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार देखा, कोई प्रधानमंत्री इतने निचले स्तर तक, विधानसभा के इलेक्शन हो चाहे वो नगर निगम के चुनाव में, वहां जहां तक वो प्रचार कर रहे हैं, ऐसा कभी किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं देखा था। और वो सिर्फ वन मैन शो लेके चलते हैं, नरेंद्र मोदी मैं भाजपा कौन, नरेंद्र मोदी कौन, भाजपा, इनके अलावा ना किसी को नेता मानते हैं ना किसी को नेता समझते हैं वो। एक सवाल ये भी है जो मीडिया में भी और बीजेपी वालों में भी गूंज रहा है कि कर्नाटक का सीएम कौन होगा कांग्रेस की तरफ से। जो हमारे यहाँ की परंपरा रही है, जो हमारे यहाँ का दस्तूर रहा है कि जो विधायक चुन के आते हैं, जीत के आते हैं विधायक, वो बैठेंगे, उनकी विधायक दल की बैठक होगी और उसमें जिसका भी लिया जाएगा वो सर्वसम्मति से जो विधायक सीएम चुना जाएगा उसके लिए। कांग्रेस की तरफ से आप कर्नाटक जीत चुके हैं तो उनका सीएम कौन होगा, आपको क्या लगता है? कर्नाटक की तरफ से अभी सीएम हमारे अभी चेहरे प्रकाशित नहीं हुए हैं, चेहरे पर क्लियर होने के बाद हम कर्नाटक का चेहरा जल्द ही आपको जारी करेंगे। सर, यही सेम सवाल आपसे भी रहेगा कि कर्नाटक में कांग्रेस की तरफ से सीएम चेहरा कौन है? देखिए, ये हम लोग यहाँ पर बैठ करके इन चीज़ों को डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री वहाँ पर कौन होगा। हमारे जो विधायक दल के नेता होंगे, जो मेजॉरिटी के साथ हमारी सरकार बन रही है, जो सबके लिए जो उपयुक्त होगा, जिसको बेहतर समझा जाएगा वो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उस दौड़ में कई लोग हैं, सिद्धरमैया जी भी हैं और डीके साहब भी हैं, कई लोग हैं, अब वो तय करेंगे जो भी। मैं और लोगों से बात करता हूँ। सर, कर्नाटक में कांग्रेस जीत चुकी है, एक मुद्दा बहुत चला था कर्नाटक में बजरंग दल और बजरंगबली, के काम नहीं आएगा बीजेपी के लिए? देखो साहब, बजरंगबली की जीत हुई, हम लोग बजरंगबली के उपासक हैं और ये जो बजरंग दल के लोग हैं ये हुड़दंगी लोग हैं, देश में और प्रदेश में माहौल खराब करने वाले लोग हैं। तो आज सही मायने में भगवान हनुमान की जीत हुई है और जो बजरंगबली भगवान को जो बदनाम करने वाले लोग थे उनको कर्नाटक की जनता ने हकीकत दिखा दी है। भ्रष्टाचारियों की हार हुई है, महिलाओं
महिलाओं के साथ बदतमीजी करने वाले लोगों की हार हुई है। हिंदू मुस्लिम के सम्मान करते, बीजेपी कहती है हम तो हमेशा महिलाओं का सम्मान करते हैं, आप करें कहां। आपने देखा होगा तमाम वीडियो आए थे जिसमें हिजाब पहने बच्चियों के साथ जय श्री राम के नारे लगा के बजरंग दल के कार्यकर्ता जो है बदतमीजी कर रहे थे। ये तमाम जनता इन चीजों को नहीं भूली है, जनता सारी चीजें देखती है और जनता ने, क्योंकि सबसे बड़ा जो मत है, सबसे बड़ा जो फैसला होता है वो जनता का फैसला होता है और कर्नाटक की जनता ने आज दिखा दिया है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा में जो अपार जन सैलाब कर्नाटक की जनता ने उनके साथ रही थी, तो वो अपार जन सैलाब वोट में भी तब्दील हुआ है। फायदा हुआ है भारत जोड़ो यात्रा, निश्चित तौर पर बहुत फायदा हुआ और ये लोकतंत्र की जीत है। 2024 में फायदा होगा क्या? होगा, और भारत जोड़ो यात्रा का जो दूसरा फेज है वो चलेगा, तो उसके बाद आप देखना कि बीजेपी का पूरे देश से ही सुपड़ा साफ हो जाएगा। एक चीज और है कि अभी मैं सुबह सुन रहा था एक वीडियो को, तो वहाँ के जो पूर्व सीएम, अब तो पूर्व हो चुके हैं, तो पूर्व सीएम कह रहे थे कोई दिक्कत नहीं, हारे तो हारे लेकिन आगे की रणनीति हम बनाएंगे और 2024 में पक्का बीजेपी आएगी। देखिए निश्चित तौर पर चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, हमारे बीजेपी के साथियों को भी बधाई है कि उन लोगों ने चुनाव लड़ा। हालांकि जो जनता ने जो इनका सांप्रदायिकता का मुद्दा था वो सिरे से खारिज कर दिया, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह जी हो, चाहे मोदी जी हो, इन लोगों ने खूब सांप्रदायिकता की रोटी सेंकने की कोशिश की। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप जनता के मुद्दे पे काम कीजिए, ये जो सांप्रदायिकता की जो आपकी राजनीतिक रोटियां हैं ये हर जगह नहीं। अच्छा, मैंने कुछ लोगों सुना है जैसे राजस्थान में अभी चल रहा है उसी प्रकार कर्नाटक में तो नहीं चलेगा कहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना राजस्थान में ऐसा कुछ है, ये सब मीडिया द्वारा एजेंडे चलाए जा रहे हैं। और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कर्नाटक में भी जो हमारी पार्टी है वो एकजुट है और इसी तरीके से जो राजस्थान है वहाँ भी एकजुटता ही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या दरअसल भाई जी, ये जो आज कर्नाटक की जीत हुई है ये हमारे राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल जी का जन सैलाब जो उनके साथ चला था और ये चुनाव जो हुआ है भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी की मेहनत को लेकर और भारतीय जनता पार्टी मोदी की जो पैसा कर्नाटक में जो पानी की तरह बहाया गया वो सब फेल हो गया, कहीं ना कहीं इस भारत जोड़ो यात्रा का असर कर्नाटक में दिखाई दिया। वहां पर आपको ना तो केजरीवाल नजर आया होगा और यहाँ ही वहां पर आपको ओवैसी नजर आएगा। इसका कारण यह है कि वहां के जब सीएम को वहां की जनता पीट सकती है तो फिर अरविंद केजरीवाल और ओवैसी की भी कुटाई हो सकती है। जब ओवैसी की आपने बात ही कर दी तो मैं एक चीज बता देता हूँ, कर्नाटक का एक भाषण सुन रहा था ओवैसी का, जिसमें कह रहे थे कि आजादी के बाद कांग्रेस ने बहुत सारी चीजें की और ना बीजेपी ना कांग्रेस और ना कोई अन्य पार्टी कर्नाटक के लिए कुछ नहीं कर सकती है। अच्छा, मैं ये बताना चाहता हूँ गुजरात के अंदर जब चुनाव हुए थे वहां वोट काटने के लिए आरएसएस ने अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को और ओवैसी एएमआईएम को जब भेजा था वहां पर वोट काटने के लिए, उन्होंने खूब रोल वहां पर मचाए थे गुजरात के अंदर। कर्नाटक में इनको क्या सांप सूंघ गया था? वहां इनको पता था आरएसएस को भी अगर अरविंद केजरीवाल और ओवैसी को अगर कर्नाटक में भेजा गया तो जैसे वहां के सीएम की कुटाई हो सकती है तो इनकी भी कुटाई हो सकती है। वहां जंग जो लड़ी गई है वो सिर्फ हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी की और भारतीय जनता पार्टी के बीच में लड़ी गई है और वहां राहुल गांधी जी ने जो इनको उखाड़ कर फेंका है इसी तरह से वो सन 2024 में भी कहीं ना कहीं इनको उखाड़ कर फेंकेंगे। अच्छा, एक चीज, एक सवाल हमेशा उठता है, मोदी सरकार और बीजेपी सरकार जी। दो पहलू बहुत सारे मैंने लोगों के मुंह से सुना है, दो पहलू बताते हैं, एक बीजेपी सरकार और एक मोदी सरकार। तो कर्नाटक में किसने चुनाव लड़ा है, बीजेपी सरकार ने या मोदी सरकार ने? क्योंकि 22 रैलियों से ज्यादा मोदी जी ने रैलियां की है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा सवाल आपने किया है मेरे भाई। दरअसल क्या है, कर्नाटक के अंदर जो चुनाव लड़ा है वो मोदी और अमित शाह ने लड़ा है। मोदी जी ने कहा कि मुझको गाली बकी। भाई तुम्हें गाली बकी, कर्नाटक में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने गाली बकी वो गिनाए जा रहे हैं, लेकिन वहां पर जो रिपोर्ट कार्ड है उन्होंने क्या कार्य किया वो नहीं बता रहे। वहां 40% कमीशन खाने वाली सरकार और केंद्र में पहुंचाने वाली 40% कमीशन, कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी ने जो अपने भाषण में जनता को समझाने की कोशिश की है वहां जनता के दिमाग में आया कि राहुल गांधी जी कोई गाली बकने वाले व्यक्तियों में से नहीं है बल्कि ये तो जनता के साथ चलने वाले व्यक्तियों में से। आपने एक वीडियो देखा होगा जब प्रधानमंत्री जी बच्चों से मिल रहे थे, वो कह रहे थे कि आप ऐसे करके दिखाओगे, ये जो स्कूलों में बच्चे करते हैं मतलब इस तरीके से खेल दिखा रहे थे और वहां तार बांध दिए और बच्चों के मुंह पे चुभे तार। और हमारे राहुल जी बच्चों से मिलते हैं, गले मिलते हैं, बूढ़े हो जवान हो बेचारे, जो पीड़ित हो, कैंसर पीड़ित हो, बीमार हो, गरीब आदमी हो, हर इंसान की सुनने वाले इस देश में राहुल गांधी जी। और जनता को एक बता चल चुका है कि इस देश के अंदर राहुल गांधी जी जो है वो इस देश के उभरते हुए वो सितारे हैं जो भारतीय जनता पार्टी जिनसे पूरी तरह से डर चुके और तहस नहस हो चुके हैं। धन्यवाद। लोगों से भी बात करता हूं सर, एक अभी मैं चुनाव के समय में प्रधानमंत्री जी का एक भाषण सुन रहा था जिसमें प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्ट है वो बिल्कुल बेकार है और हमारा जो मैनिफेस्ट है वो आम जनता की भलाई के लिए है। अगर इनका मैनिफेस्टो अगर अच्छा होता तो जनता इन्हें नकारती नहीं। अच्छा। मैनिफेस्टो हमारा एक्सीलेंट था। राहुल गांधी जी का जो मैनिफेस्टो था कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो था, पांच बातें हमने लोगों को दी। पांचों बातें वहाँ के किसान को, वहाँ के बेरोजगार को, वहाँ के गरीब को, वहाँ के व्यापारी को, वहाँ के मध्यम वर्ग को, सबको इनका हमारा मैनिफेस्टो पसंद आया जी, बिल्कुल आया। आदिवासी समाज से तो हम सम्मान देते हैं आदिवासी समाज को, इसलिए कर्नाटक का आदिवासी समाज क्योंकि सबसे ज्यादा है वहाँ पे, तो मैं समर्थन भी देगा। क्या कांग्रेस ये जातिवादी धर्मवादी, ये कांग्रेस के अंदर नहीं चर्चा है। कांग्रेस एक समान विचारधारा, सबको साथ लेने के चलने वाली, गंगा जमुनी जी के तहवीज को मानने वाली। अब इनका जो प्रोपोगेंडा, जो इनका डबल इंजन था, अब ये फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं। क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं, यदि आपको मालूम हो तो वहाँ पे इन्होंने 5000 पर मतदाता को वोट दिया, वो नोट दिया। अच्छा, नोट पे वोट हुआ है क्या? वोट फॉर वोट। अच्छा। एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी के जो एमएलए का जो चुनाव लड़ रहे थे, 25-25 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किया। कहाँ से आया ये 40% का जो कमीशन था, पूरे कर्नाटक आने बड़े दिल से। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का ही जाती है बीजेपी वाले कहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। आप सीधा सीधा इल्जाम लगा रहे हैं बीजेपी वाले पे। सर, अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो मैं आपको बताता हूँ, इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी मुझे तो दुनिया में नहीं कोई दिखाई दे रहा है। इनसे बड़ा कोई झूठा पूरी दुनिया में नहीं कोई। नाम है मोदी जी का पूरी दुनिया। नहीं नहीं, बिल्कुल जुमलेबाजी में। अच्छा, जुमलेबाजी में नंबर वन नेता में, नाम जुमलेबाजी में नंबर वन में आप गिनेंगे तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय राहुल गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये है नंबर वन। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो देश में कुछ नहीं था जब देश हमने जब स्वतंत्रता हासिल की, उस समय देश में कुछ नहीं था। और देखिए 2024, अच्छा अंतिम सवाल ये रहेगा, 2024 में क्या होने वाला? 2024 में मोदी जी जा रहे हैं और राहुल गांधी जी आ रहे हैं खड़गे जी के। कहीं ऐसा तो नहीं है मुंह से तो मोदी जी जा रहे हैं बोल रहे हैं, मन में हो के मोदी जी आ रहे हैं? सर 100% आप नोट कर लीजिए, मेरा कमिटमेंट नोट कर लीजिए। अगेन आई विल मीट यू AIC हेडक्वार्टर अगेन, डोंट वरी। और आप फिर हम इस पर चर्चा करेंगे जी। क्या कांग्रेस आ रही है ना? तो बिल्कुल जा रही है। किन किन मुद्दों के साथ? मुद्दे सर, सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी। इन्होंने वादा किया था 2022 तक किसान की आमदनी डबल कर देंगे। हिंदुस्तान तो गई है, कह तो रहे हो गई है डबल। हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में आप चले जाइए, अगर वहाँ पर डबल हो गई हो तो आप जो कहें हम सो करेंगे। अच्छा, कर्नाटक में जीत की खुशी आप कैसे जाहिर करना चाहेंगे? जीत की खुशी सर ऐसे जाहिर करने जा रहे हैं कि ये जो जीत का हमारा जो सिस्टम बना है, ये आगे कंटिन्यू फ्लो में बहता रहे। 2023 में लगभग 4 स्टेट में इलेक्शन होने जा रहे हैं, चारों में कांग्रेस जीतने जा रही है। उसके बाद फिर दिल्ली दूर नहीं है। अच्छा, दिल्ली की दूर अच्छा, नहीं है बिल्कुल। केंद्र की तैयारी बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये साफ कहना है कि अभी कर्नाटक चुनाव कांग्रेस जीत चुकी है, वहीं पर इनका ये कहना है कि 2024 की भी पूरी तैयारी है और 2024 भी कांग्रेस जीत के दिखाएगी। मैं अजीत शाह और इस समय मौजूद था मैं AICC यानी कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली।